बिग बॉस सीजन 8 के विनर गौतम गुलाटी अब अपने एक और नए शो के साथ टीवी इंडस्ट्री में धमाल मचाने को तैयार हैं। गौतम गुलाटी हाल ही में लखनऊ पहुंचे, जहां गौतम से बात की हमारे संवाददाता निकिता सरीन ने। He's a star, he's an actor, a model and a dancer. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम गुलाटी की, जिन्होंने बिग बॉस सीजन 8 का खिताब अपने नाम किया था और उसके बाद से उनकी जो फैन फॉलोइंग है, बल्कि मैं ये बताना चाहूंगी जो फीमेल फैन फॉलोइंग है वो काफी बढ़ गई है कि अब ये किसी भी जो पहचान है उसके मोहताज नहीं है। आइए बात करते हैं गौतम गुलाटी से। गौतम, सबसे पहले तो द बिग एफ के बारे में कुछ बताइए। द बिग एफ, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? हम जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस हैं, जो दर्शक हैं, जो आपके फैंस हैं, वो बहुत कुछ सोच सकते हैं। तो That's what I'm saying, लोग बहुत कुछ सोच सकते हैं कि इसमें क्या आने वाला है, ये आने वाला है, प्रोमो में ये हुआ या प्रोमो में किस हुआ, आगे ये हुआ तो आगे और क्या आ सकता है। इट्स अ शो अबाउट फैंटेसीज, इट्स अ शो अबाउट कनेक्शन, इट्स अ शो वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री एंड बहुत सी चीजें होंगी शो के अंदर जो कि इसमें आपको देखने को मिलेंगी। और बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट रियलिटी, हम थोड़ा रियल बात करने वाले हैं शो के अंदर, थोड़ा बोल्ड होकर बात करने वाले हैं कि हाँ, मे बी हो सकता है यू विल गेट टू सी किसिंग पार्ट इन द शो, बट आई फील यूथ के लिए आज के टाइम पे वो इतनी वो वाली बात नहीं होती। इट्स अ कूल थिंग, इवन इफ यू गो टू अ फॉरेन कंट्री, सो इट्स प्रीटी नॉर्मल एंड पीपल डोंट फाइंड इट। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा वो होता है कि लोग थोड़ा सा ऐसे हो जाते हैं, बट ये कि इट्स ऑलराइट, बट कूल होके एक बार बात करनी चाहिए उससे रिलेटेड। और बट उसमें वो भी अच्छी दिखेगी, जो स्टोरीज आएंगी उसमें हम रियलिटी की बात कर रहे हैं, शायद आपकी आंखों को खटकेगी नहीं वो चीज़ ये कहेगी हाँ करेक्ट है, एचडी में फैंटेसी बढ़िया है और रियलिटी इतनी बढ़िया नहीं है। तो व्हेन यू विल सी द शो, देन व्हेन यू विल सी द स्टोरी, जिसके बीच बीच में मैं स्टोरी के बारे में आके बात करूँगा, तो वो स्टोरी आपको शायद अच्छी लगेगी और आप खुद आगे से बोलोगे कि हाँ यार, ये स्टोरी में अच्छा हुआ, इसने ऐसा किया और ऐसा नहीं किया। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट रियलिटी। अब अगर हम बात करें बिग बॉस सीजन 8 की, तो उसमें एक कंटेस्टेंट थे सोनाली, राइट? उन्होंने नेशनल टेलीविजन पे एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था कि मुझे इस घर में भूत नजर आते हैं, मुझे साया दिखता है। और अभी भी हाल ही में खबरें आई हैं, जो डिजाइनर हैं बिग बॉस 9 का जो सेट तैयार करें, उनसे भी ऐसी कुछ खबरें आई हैं। तो आपको क्या लगता है, बिग बॉस का घर कम, क्या हॉन्टेड हाउस ज्यादा हो गया है? एक हल्का सा मैं थोड़ा सा अपनी पर्सनल लाइफ में थोड़ा बच्चे जैसा हूँ और एट द सेम टाइम आई थिंक लाइक अ मैन ऑफ 40 इयर्स, बट जब मैं वहाँ रह रहा था तो मुझे कभी कभी डर भी लगता था और कभी कभी मैं 40 साल का आदमी भी हो जाया करता था कि यार आ जाओ, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट योर ओन डिसीजंस इन लाइफ। तो कई डिसीजंस लेने के टाइम पे आई वॉज 40 इयर्स ओल्ड मैन और कई चीज़ों में मैं आई वॉज अ किड, बिकॉज आई एम अ किड बाय हार्ट, तो मुझसे कोई चीज़ मेरे अंदर कोई दबी नहीं रहती, मैं बोल देता हूँ या फिर मैं थोड़ा खुले दिमाग का इंसान हूँ और मैं एक्सप्रेस कर देता हूँ, यू नो, मैं ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ, बट ये कि मैं हाँ, मेरे दिल में कुछ किसी के लिए या दिमाग में कुछ किसी के लिए रहता नहीं है, अगर कोई भी बात होती है मैं बोल देता हूँ और थोड़ा साफ है मेरा दिल, तो उस हिसाब से मैं सोचता हूँ कि तो मुझे कभी कभी ना बचपने में थोड़ा सा डर लगता था, वहाँ पे डर लगता था अकेलेपन की वजह से, क्योंकि वो तो वो बात अलग है कि कोई सब अवॉइड ही कर रहे थे, कोई बात ही नहीं कर रहा था मुझसे, बट धीरे धीरे उसी चीज़ ने इतना स्ट्रांग भी बना दिया था कि फिर वो कभी मेरे माइंड में मैं अकेला ही घूमता था, मस्त घूमता था, और मैं कभी कभी ऐसा होता था मुझे कि आसपास कुछ है तो नहीं, कोई आवाज़ आई है कुछ हल्की सी, डर भी लगता था मुझे, तो मैं भाग जाया करता था कि, बट आई डोंट थिंक सो देयर इज एनीथिंग लाइक दैट, और बिंदास होके आई फील आसपास हो भी तो डरना नहीं चाहिए, आई फील अब कॉन्फिडेंस इतना अंदर रखो, वो बात अलग है भूत सामने आ गया तो आप भागोगे, बट ये कि ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पे, और बिंदास अपना मैं तो वहाँ पे इंजॉय करता था। गौतम, क्या आपको लगता है कि सलमान खान अपने फेवरेट कंटेस्टेंट्स के साथ थोड़े बायस्ड हो जाते हैं? यार, मैंने पहले बिग बॉस ना कभी देखा नहीं है, तो मुझे उस चीज़ के मामले में इतना पता नहीं है, मैं तो बस जब मुझे सिलेक्ट किया, जब मुझे लेके जब शो के अंदर उन्होंने रखा, तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं। आई डोंट थिंक सो सलमान सर बायस होते हैं कभी भी, क्योंकि अगर ऐसी बात होती तो कई लोग अपने जो उनके जान पहचान के हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा कर सकते थे कुछ भी, बट इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू बिहेव इन पब्लिक,
आप कैसे लोगों से बर्ताव करते हो, किसको कितनी रिस्पेक्ट देते हो, कैसे रहते हो, क्या आप पॉलिटिशियन वाला आपका माइंड है या क्या है, क्या पॉलिटिक्स करते हो, क्या करते हो, तो वो उस हिसाब से आपके ऊपर है कि आप उस घर में अपनी आप कैसे रहते हो। सिंपल, आप चार ऐसे लोगों के साथ रहने वाले हो जो जिनको आप जानते नहीं, तो आपके बिहेवियर के ऊपर है कि आप कैसे बिहेव करते हो, बात करने का तरीका क्या है, क्या आप किसी को स्ट्रेस दे रहे हो उनके साथ रह के, किसी को तकलीफ दे रहे हो, तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप प्यार से भी रह सकते हो। अगर कोई आपसे जबरदस्ती पंगे ले रहा तब भी आप ये भी नहीं कि आप डर जाओ, जैसे मैं डरता नहीं था, लाइक कि यार चलो प्यार से ही थोड़ी सी बैंड बजाते हैं, यू नो देयर इज अ वे टू टेक केयर ऑफ थिंग्स लाइक दैट, देयर इज अ वे टू हैंडल थिंग्स। सो उसी तरीके से मैं हैंडल करता था और बिना गाली गलौज करे, मैं ऐसा हूँ भी नहीं कि मैं गाली दूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता ये सब चीज़ें करना, बट ये कि इट्स ऑल अप टू यू टू टेक केयर ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी। बिग बॉस आपने किया, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल शो है, कॉन्ट्रोवर्सी से घिरा रहता है, उसके बाद अभी जो आपका अपकमिंग शो है वो भी काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है, तो एक कॉन्ट्रोवर्सी वाली इमेज बनकर आ रही है कहीं ना कहीं आपकी, तो क्या आप कॉन्ट्रोवर्सीज में रहना आपको पसंद है या इससे बाहर भी आप कुछ करना चाहते हो या इसके पीछे की वजह कुछ और भी है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कॉन्ट्रोवर्शियल इमेज, ऐसा आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनीथिंग लाइक दैट, बिकॉज नॉर्मली जब भी मैं किसी से भी मिलता हूँ तो दे आर लाइक वेरी वेरी स्वीट टू मी, एंड हर चीज़ जो भी मैं काम कर रहा हूँ, जितना भी मैं काम कर रहा हूँ, आगे भी काम कर रहा हूँ, तो वो लोग, उन लोगों को मेरा काम पसंद आ रहा है। एंड ये शो कॉन्ट्रोवर्शियल आपको अभी ऐसा लग रहा है कि ये है, बट इट इज़ नॉट बेसिकली, अगर मैंने प्रोमो में इसमें किस कर दिया तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। बॉलीवुड में कौन सा हीरो जिसने किस नहीं की ऑन स्क्रीन, इमरान सर तो सबसे ऊपर है, बट कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड है, द बिग स्क्रीन, ये डेली सोप है somehow. It's not a daily soap or something. It's basically they'll be showing stories, but at the same time I am not acting in that. I am hosting in the show. I'm talking about these stories where I am not acting in it at all. मुझे जो स्टोरी दिखाई जाती है मैं उसके बारे में सिर्फ बात करने वाला हूँ, मैं उसमें मेरा कुछ कोई एक्टिंग से रिलेटेड कुछ नहीं है। एक्टिंग जो होगी वो अभी मैं सिर्फ फिल्म्स पे ध्यान दूंगा इन फ्यूचर, मैं अभी टीवी नहीं करूंगा, बट ये कि मैं सिर्फ होस्टिंग कर रहा हूँ इसके अंदर। गौतम, क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक फिल्म से रिलेटेड की पिक देखी थी ट्विटर पे विद मस्टैचेस एंड ऑल, उसके बाद थोड़े समय बाद वो पिक चली गई थी, तो इससे ये तो जाहिर है कि आप इस फिल्म का पार्ट हो, तो क्या रोल होगा आपका इस फिल्म में? अभी रोल से रिलेटेड बात नहीं कर सकते, बट या आई एम अ पार्ट ऑफ द फिल्म। एंड इसके बाद फ्यूचर कमिंग प्रोजेक्ट्स क्या है, कौन सी ऐसी चीजें जो अभी भी आपकी पॉकेट में है और जनता नहीं देख पाई है? अभी सिर्फ मैंने कई फिल्म्स, अभी भी मैं पढ़ता रहता हूँ कुछ ना कुछ जो मुझे मिलता है, बट फिल्म बिजनेस इज नॉट लाइक दैट। बेसिकली बहुत चीज़ें होती हैं कि कॉर्पोरेट कौन सा है, प्रोडक्शन कौन सा है, उसका डायरेक्टर एंड एवरीथिंग, बहुत चीज़ें होती हैं, तो पिक्चर रिलीज होना भी बहुत ज़रूरी होता है एक्चुअली। अगर वो ढंग से रिलीज ना हो, कोई भी फिल्म में अगर उठा लूँ या साइन कर लूँ, इफ़ आई पिक अप मनी, कोई फ़ायदा नहीं अगर वो रिलीज़ ना हो, तो मैं थोड़ा सोच समझ के काम कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम एन आउटसाइडर, एंड मेरे लिए अब अगर मैं इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ तो मुझे बहुत सोच समझ के काम करना है। अगर सोलो काम करूँ तो मैं बाकी बालाजी की 3 फिल्में मैं कर रहा हूँ, उसमें आई डोंट हैव टू टेक केयर ऑफ एनीथिंग लाइक दैट कि कौन सा कॉर्पोरेट है क्या है, बट ये है कि यहाँ पे अब मैं जो भी सोलो करूँगा वो मैं अच्छा ही कुछ साइन करूँगा ताकि वो लोगों तक रिलीज हो, जो लोग जिन लोगों ने मेरे लिए वोटिंग की है, जिन्होंने मुझे जिताया और जो इतना प्यार देते हैं डे बाई डे और प्यार बढ़ रहा है उनका, तो वो चीज़ मैं उससे रिलेटेड मैं उनके लिए कुछ अच्छी ही फिल्म करूँगा। आई एम नॉट गोना पिक अप एनी प्रोजेक्ट जहाँ पे जो चीज़ ढंग से रिलीज ना हो, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग लाइक दैट, यू नो। चलते चलते गौतम, अपने ऑडियंस को और खासकर अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे आप? मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरा शो आ रहा है MTV पर द बिग F और 11 अक्टूबर 7 बजे शाम को, प्लीज़ देखिएगा और अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने दिल की बात सुनिए, अपने मन से करिए और अपनी जिंदगी को अच्छे से जिए। तो ये थे गौतम गुलाटी जो जल्द ही अपने शो द बिग एफ में आप सभी को नजर आएंगे। ये सीरियल कितना कंट्रोवर्शियल होता है भी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन रजनीश तिवारी के साथ निकिता सरीन, समाचार प्लस।